आज हम लोग कजरई सोसाइटी में सागर और बीना विधानसभा क्षेत्र के कजरई सोसाइटी में हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महेश राज जी तीसरी बार मैदान में हैं, उनसे थोड़ा चर्चा करना है हम लोगों को। विधायक जी, आपको तीसरी बार टिकट मिली है, क्या मुद्दा लेके क्षेत्र में तीसरी बार आए? मैं सबसे पहले प्रदेश टीवी को धन्यवाद देता हूँ, आप इतने दूर के गाँव में कवरेज करने के लिए आपको धन्यवाद। मुद्दे विकास की है, विकास भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेकर फिर हम बीच में जनता के बीच में आए। दो बार से आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी सरकार भी है, लेकिन बीना में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक लगभग 45 करोड़ की एक नई बिल्डिंग बनने के लिए स्वीकृत हुई है, और वो नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर पालिका की जमीन थी वो आवंटित कर दी गई है, और चूँकि आचार संहिता लगने के कारण उसका भूमि पूजन नहीं हो पाया था, तो उस पर भी हमारा विशेष फोकस है, वो बहुत जल्दी स्वास्थ्य सुविधा पर भी हम काम करें। पिछले बार जो चुनाव था आपका बहुत टफ चुनाव था, 600 लगभग 600 वोटों से आप जीते, इस बार आप कैसा? अगली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री भी चुनाव लड़े, और कांग्रेस ने जनता से और किसानों से झूठ बोलकर 2 लाख रुपये कर्ज माफी की बात की थी, ना वो कर्ज माफ होगा, किसान को ठग लिया गया, झूठ बोलकर वोट ले ली गई है, अब ये कोई मुद्दा नहीं है, और अब कांग्रेस किस बात को लेकर किसानों के बीच में जाएगी? आपके बेटे के ऊपर आरोप भी लगा था, स्टाम्प ड्यूटी का जो आरोप लगाया था वो भारतीय कांग्रेस की प्रत्याशी है, उसका भतीजा DR है, डिस्ट्रिक्ट में भ्रष्टाचार ऑफिसर है, उस समय कमलनाथ की सरकार थी, जिस चीज़ की स्टाम्प ड्यूटी 5500 रुपये लगना थी उसमें जानबूझकर 55,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगाई थी। आज वो प्रकरण हाईकोर्ट में लंबे थे, तो हाईकोर्ट जो भी आदेश करेगा बाकी का विस्तार कर देगा। अगर आप जीतते हैं तो जिला बनाने क्या करें? बीना को निश्चित ही जिला बनना चाहिए, भौगोलिक मापदंड पर हम खड़े उतरते हैं, जो भी पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल्स का हब का भी काम शुरू होने वाला है, तो कुल मिला के भौगोलिक स्थिति के माध्यम से बीना को जिला बनना चाहिए। और जब भी कोई नया जिला बनेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सागर से कोई अलग जिला बनेगा, वो भी नहीं बनेगा।